सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। कल ब्लॉग नहीं डाला, क्यों नहीं डाला आगे बताऊंगा। और हाँ, आज हम लगुन में जा रहे हैं, मतलब लगुन जो है वो लड़की के यहाँ से होके लड़के के यहाँ तक जाती है। तो उसका जो सारा कार्यक्रम है आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को इन्जॉय करें। देखिए, जो लड़की का है वो भी दिखा देते हैं, जो लड़के का है वो रात तक पहुँच के वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सिनेमेटे वगैरह जो भी होंगे। तो पहले जाइए लड़की के यहाँ पे, जो भी कुछ होता है वो एंजॉय करके आइए, फिर रेडी वेडी होते हैं और लड़के के यहाँ चलते हैं, रात को पहुँचेंगे। भाई उस साइड से वापस भी आना है, कब आना है वो तो वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए। रेडी और भाई सब पीछे रेडी वेडी हो रहे हैं। अभी तो हम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, जो फोर व्हीलर आने वाली है उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगी फिर सब। वैसे तो रेडी हैं, अब वो आती हैं गाड़ी वाड़ी, जैसे ही उन्हें बैठेंगे फिर चलते हैं, फिर आपको आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं। तब तक गाड़ी आती है और सामान वामान रखते हैं, उसका सिनेमेटिक अगर मैंने बना पाया तो डाल दूंगा। तो चलिए। आखिरकार भाई डेढ़ घंटा इंतज़ार करने के बाद गाड़ी आई गई। वैसे तो चार गाड़ियाँ हैं, दो गांव में गई हैं और दो यहाँ पे आई हैं, पर अभी तो एक ही दिख रही है। हमने भाई कम से कम डेढ़ घंटा इंतज़ार किया है और डेढ़ घंटा इंतज़ार करने के बाद अब सामान वामान पैक करते हैं और फिर चलते हैं।
लो भाई लो, एक और आ गई, एक और आ गई। इससे छोटी है और दो गांव से आ रही है। और चलो सामान वान पैक कर दें, फिर चलते हैं। फाइनली गाइस हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। पूरे 2-2.5 घंटे गाड़ी में बैठे बैठे ऐसी तेजी हो गई, लेकिन अब पहुंच चुके हैं। यहाँ का माहौल देख सकते हो भाई, बहुत सारी भीड़ है। और अभी देखते हैं क्या होगा सिस्टम, उसको आपको दिखा देंगे। और सिनेमेटिक विनेमेटिक तो हम बनाते ही रहते हैं, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बने रहिए। अभी बज रहे हैं रात के 11:30। अभी अभी स्पीकर बंद हुआ, इतनी देर से डीजे बज रहा था, तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब भाई जैसे डीजे बंद हुआ मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो देखो अभी बताता हूँ क्या है कि अभी अभी खाना खा के ख़त्म हुए, खाना वाना खाया तो सर्दी वर्दी लग रही है। सो अब भाई जो मेन प्रोग्राम है लास्ट एंड फाइनल, वो प्रोग्राम अब होगा। उसके सिनेमेटिक आपको चेक करने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद हम घर जाएंगे, घर जाके मिलेंगे और फिर एडिटिंग वेडिटिंग करेंगे, जो भी होगा वो आगे आपको दिखा देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भाई सोनम मुस्कान नव्या वगैरह सब बैठे हैं भाई, मैं अभी यहीं पे बैठा हूँ। रात के 11:30 बज रहे हैं, अभी प्रोग्राम होगा, थोड़ा 1-2 घंटे चलेगा, उसके बाद घर पे निकलेंगे, फिर आपसे फिर मिलते हैं। अभी हम घर के अंदर भाई, यहाँ पे सब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जो कुछ भी है वो यहीं पे होगा, तो आपको सिनेमेटिक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी आप सिनेमेटिक चेक कीजिए। तो जो भी कुछ था लगन फलदान वगैरह वो सब खत्म हो चुका है, आपने सिनेमेटिक चेक कर ही लिए होंगे। और अब भाई हमें निकलना है घर पे, आप देख सकते हो सब भाई यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। रात के 2:30-3 बज रहे हैं और घर जाके मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है, तो यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर ज़्यादा है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, आई एम सॉरी, उसके लिए घर जाके मिलते हैं आपसे। Thank you.
अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और अभी हम जस्ट 10 मिनट पहले घर पहुंचे और हालत हो चुकी है सबकी खराब। मैंने जस्ट लैपटॉप ऑन किया, एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करनी है और एडिटिंग खत्म करने के बाद फिर नया व्लॉग स्टार्ट करना है। एडिटिंग खत्म होगी सुबह, थोड़ा टाइम लग जाए 1-2 घंटे और फिर अपलोड भी करना है साथ ही साथ में, और पब्लिश तो 9 बजे हो ही जाता है व्लॉग, तो आपको 9 बजे देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेरे से ज्यादा कुछ हुआ नहीं जा रहा व्लॉग के लिए, जितना भी है वो आपने देख ही लिया होगा। तो अगले व्लॉग में बाकी सब कंटिन्यू करते हैं सुबह इस मतलब 9 बजे के बाद। अभी 4:20 हो रहे हैं दीदी, टाइम दिखा रही बात है। सो स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम बाद अगला व्लॉग। ये व्लॉग जैसी एडिट वेडिट हो जाए, अपलोड वगैरह हो जाए, मैं सोच रहा हूँ सोऊंगी या ना सोऊं, वैसे तो मैं सोऊंगा नहीं, देखते हैं। अभी तो 4:30 हो रहे हैं, एडिटिंग करने, एडिटिंग करने वाला अपलोड वगैरह कर करूँ के भाई फिर सीधा अगला व्लॉग स्टार्ट कर देंगे, उसमें जो कुछ भी हुआ वो आपको डिटेल में बता देंगे। तो इस व्लॉग के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना, लव यू ऑल, बाय बाय।